Hello everyone, it's Vishani. Welcome to my channel, The Creation Studio. रेजिन आर्ट में कई सारी चीजें बनती है और कुछ चीजें हम इसमें सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, स्टोन्स. और इससे क्या होता है कि जो रेजिन आर्ट की जो फ्रेम्स होती है वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखने लगती है. तो आज की वीडियो में हम फ्लावर बनाने वाले हैं. रेजिन का ही फ्लावर बनाएंगे और 3D फॉर्म में बनाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. कुछ बेसिक चीजें हमें जो चाहिए होगी वो सबसे पहले वेट बैलेंस, देन रेजिन एंड हार्डनर, ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास. यहाँ पे मैं मिक्स करने के लिए स्पून ले रही हूँ. ऑफ कोर्स ग्लोव्स और कुछ कलर्स एंड द मेन थिंग सिलिकॉन मोल्ड. चलिए शुरू करते हैं. वेट बैलेंस हम लेंगे सबसे पहले 10 सेफ्टी प्रिकॉशंस. फिर सेफ्टी के लिए ये ग्लोव्स ले लेंगे, सर्जिकल ग्लोव्स. ठीक है, ओके. अभी ये मेरा मोल्ड है और मोल्ड में हमें रेजिन पॉर करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी ऑफ रेजिन एंड हार्डनर मिक्सचर कर लेंगे और उसके बाद उसमें कलर डाल के इसमें पॉर करेंगे. अराउंड 45 ग्राम का रेजिन इसमें यूज होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्लास लेंगे. यहाँ पे मैं जो रेजिन और हार्डनर यूज कर रही हूँ वो 3:1 के रेशियो वाला है. तो इसके लिए हम यहाँ पे 30 ग्राम रेजिन और 10 ग्राम हार्डनर लेंगे. ये रेजिन है. ओ कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 39 ग्राम ले लिया है रेजिन. तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 13 ग्राम हार्डनर ले लूंगी. 3:1 का रेशियो होना चाहिए. ओके. इसको साइड में रख देंगे और अभी हम सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे. उसके लिए मैं स्पून का यूज कर रही हूँ. ये प्लास्टिक की स्पून मैंने ली है. प्रॉपर मिक्स करेंगे इसको. तो ये हमने प्रॉपर मिक्स कर दिया है. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला ये मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन एक दूसरे ग्लास में लेंगे. हम लोग यहाँ पे वाइट एंड गोल्डन कलर में ये फ्लावर बनाने वाला है. गोल्डन मुझे कम चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मिक्सचर यहाँ पे ट्रांसफर किया है और इस पर हम गोल्डन कलर डालेंगे. इस टाइप से थोड़ा सा ही चाहिए और इसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे. और यहां पे हम व्हाइट कलर लेंगे. ये रहा व्हाइट कलर.
थोड़ा सा ही लेंगे। ये देखिए वाइट कलर हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा ये मेन पार्ट रीजन का रेडी है, अब डायरेक्टली इसमें पॉर करेंगे। तो अभी ये हमारा गोल्डन और वाइट मिक्सचर रेडी है, और ये मोल्ड है, ये हमने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, फ्लावर शेप सिलिकॉन मोल्ड। इसमें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फ्लावर बनेंगे। हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे गोल्डन कलर चाहिए और अंदर के पार्ट में वाइट कलर चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही गोल्डन कलर यहाँ पे पॉर करूंगी, थोड़ा सा ही। उसी टाइप से ये चारों फ्लावर में करेंगे, थोड़ा सा ही लेना है। अगर ये ऐसे डायरेक्टली ना हो तो आप स्पून का यूज करके भी कर सकते हो। अभी हम बीच में व्हाइट कलर डालेंगे। आराम से डालेंगे ताकि ये ओवरफ्लो ना हो जाए। थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, यहाँ पे तो हम ये डाल देंगे फिर से। तो ये जो पोर्शन फिलअप नहीं हुआ था वो भी हो गया। ये देखिए अभी बीच में भी फिर से ये गोल्डन कलर डालेंगे। और यहां पे हम इस टाइप से पैटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पॉर कर लिया है, इसको 24 आवर तक सूखने देंगे। 24 आवर के बाद इसको हम अनमोल्ड कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे जिस तरह से व्हाइट एंड गोल्डन लिया है उसी तरह से मैंने एक ब्लू एंड ब्लैक भी लिया था, तो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अनमोल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ कलर चेंज ही है। अभी ये 4 फ्लावर मैंने बनाया है, ये फेविक्विक जेल है, इसका यूज करके हम यहाँ पे एक दूसरे पर इसको स्टिक करेंगे इस टाइप से। उससे पहले हम यहाँ पे ये गोल्डन पेन का यूज करेंगे, समथिंग लाइक दिस। हम ये बाकी के तीनों में भी करेंगे। अभी हम इसको स्टिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक ही स्टिक कर रही हूँ, ये फेविक्विक का यूज करके। 5 मिनट सूखने देंगे जब तक ये स्टिक ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिन का 3D फ्लावर रेडी।
ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. कैसा लगा ये आपको 3D फ्लावर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. साइनिंग ऑफ टुडेज वीडियो. नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से ठीक शाम 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द क्रिएशन स्टूडियो. बाय बाय.